साल 1984 में श्याम प्रताप सिंह इस्लाम कबूल कर उमर गौतम बन जाते हैं। श्याम प्रताप सिंह किसी मुस्लिम लड़की की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया। राजेश्वरी उमर गौतम के साथ दिल्ली में रहती हैं और खुद 1990 में राजेश्वरी से रजिया बन जाती हैं। वो यहीं नहीं रुकते हैं बल्कि कलीम सिद्दीकी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी एनरोल करते हैं, जिसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 57 आती है। मतलब कलीम सिद्दीकी MBBS की पढ़ाई के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मुसलमान के पास वोटिंग राइट जरूर है, लेकिन राइट वोटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। एक चीज जो हमेशा से कही जाती है, मुस्लिम आपस में सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हर प्रॉब्लम को समझता है, उसे सॉल्व करने में उसकी मदद करता है। एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की हेल्प के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इस भाईचारे को इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी डिस्क्राइब किया गया है। कुरान चैप्टर 49 वर्स 10 में कहा गया है, यकीनन सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अपने दो भाइयों के बीच सुलह करा दिया करो। एक दूसरी जगह कुरान चैप्टर 3 वर्स 103 में कहा गया है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मिलजुल कर और तफरके में ना पड़ो, यानी आपस में डिवाइड ना हो जाओ। आगे कहा गया, याद करो अल्लाह का जो इनाम तुम पर हुआ जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी, अल्लाह के फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। कुरान की ये बातें मुसलमानों को एक दूसरे के साथ सुलह और मोहब्बत के साथ रहने के लिए इनकरेज करती है। कुरान में सोशल जस्टिस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसे मुसलमानों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसका एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। प्रॉफिट जब अपने सहाबा के साथ मक्का से माइग्रेट होकर मदीना जाते हैं, जिसे उस टाइम यसरिब कहा जाता था, आप वहां पहुंचते हैं तो वहां के लोग जिन्हें अंसार कहा गया वो आपका वेलकम करते हैं। प्रॉफिट उन लोगों से कहते हैं, ऐ मदीने वालों, ये मक्का से आए लोग आपके भाई हैं। इतना कहना होता है कि बस मदीना वाले सभी मक्का से आए एक एक लोगों को अपने घर में जगह देते हैं, उन्हें अपने हिस्से के खाने में से खाना देते हैं, उन्हें अपनी जो भी चीजें होती है उसमें उन्हें भी शामिल करते हैं, मानो एक भाई की तरह। यहां तक कि मक्का से आए लोग और मदीना में रहने वाले एक साथ मिलकर इस्लाम के लिए काम भी करते हैं। इन सारी बातों से एक चीज तो क्लियर होती है कि मुसलमानों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहने को कहा गया है। इस्लामिक स्क्रिप्चर से ये बात प्रूव होती है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर, आज के मुसलमान की सिचुएशन पर, और ये समझते हैं कि ये जो भाईचारे ब्रदरहुड को लेकर उन्हें एक गाइडलाइन दी गई है, क्या वो उसे फॉलो भी करते हैं या बस ये सिर्फ एक किताबी बातें हैं। अब तक हुए पिछले कुछ इंसिडेंट को एनालाइज करेंगे और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का सच आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, 20 जून 2021, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक दवा सेंटर के फाउंडर मौलाना उमर गौतम को अरेस्ट किया जाता है। उन पर यह आरोप लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं, जहां वो हजारों नॉन मुस्लिम को फोर्सफुली इस्लाम एक्सेप्ट करवा रहे हैं, कन्वर्ट हुए लोगों की शादी अरेंज करते हैं और इसके लिए उन्हें अब्रॉड से फंडिंग रिसीव होती है। उनके अलावा कई और लोगों को भी अरेस्ट किया जाता है जिसमें उनका अपना बेटा भी होता है। अब मौलाना उमर गौतम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा बता दें, उमर गौतम बाय बर्थ मुस्लिम नहीं, उन्होंने खुद इस्लाम एक्सेप्ट किया है। उमर गौतम फतेहपुर की एक राजपूत फैमिली में पैदा होते हैं, उस टाइम उनका नाम श्याम प्रताप सिंह हुआ करता था। 1980 डिकेड में उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में BSc की पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहां उन्हें एक दोस्त मिलता है नासिर खान। श्याम प्रताप सिंह नासिर के साथ एज अ रूममेट रहने लगते हैं। नासिर को देखकर उन्हें इस्लाम के बारे में जानने की चाहत पैदा होती है, वो इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू करते हैं और इस्लाम की डीप स्टडी करते हैं। इसका असर यह होता है कि साल 1984 में श्याम प्रताप सिंह इस्लाम कबूल कर उमर गौतम बन जाते हैं। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब होती है, उन्हें लगता है श्याम प्रताप सिंह किसी मुस्लिम लड़की की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने सोचा अगर वो उमर गौतम की किसी लड़की से शादी करवा देंगे तो उमर वापस से श्याम बन जाएंगे, मतलब वो इस्लाम छोड़ देंगे। इस सोच के साथ साल 1985 में उमर गौतम की राजेश्वरी से शादी करा दी जाती है। 1990 तक राजेश्वरी उमर गौतम के साथ दिल्ली में रहती हैं और खुद 1990 में राजेश्वरी से
रजिया बन जाती हैं। अब रजिया का कहना है कि उन्होंने इस बीच कभी मुझ पर कन्वर्ट होने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि मैं खुद एक रिलीजियस इंसान थी, हिंदू गॉड में बिलीव रखती थी। जब मैं उनके साथ रहने लगी तो इस्लाम के बारे में जाना, मुझे वो चीज़ें पसंद आई और कुछ महीने बाद मैंने खुद की मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया। यह है मौलाना उमर गौतम की शॉर्ट स्टोरी, जहां वो खुद जवानी की उम्र तक नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक टीचिंग से अट्रैक्ट हुए और मुसलमान बन गए। उन्होंने खुद अपनी वाइफ पर फोर्सफुली इस्लाम एक्सेप्ट करने का दबाव नहीं बनाया, जबकि उन पर यह आरोप लगे कि वो रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं। इसी केस में उन्हें अरेस्ट किया गया। 25 जून 2021 को ईडी उन पर फॉरेन फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग का एक और केस फाइल करती है, बट फाइनली 776 दिन बाद अलाहाबाद हाई कोर्ट से उमर गौतम को बेल मिल जाती है। इस पहले केस को आप याद रखना, आगे इस पे फिर से बात करेंगे। अब आते हैं दूसरे केस पर। यह है मौलाना कलीम सिद्दीकी। 21 सितंबर 2021 इस्लामिक स्कॉलर कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट किया जाता है। उन पर आरोप लगता है कि वो भी एक लार्जेस्ट कन्वर्जन सिंडिकेट चलाते हैं। अब ये कलीम सिद्दीकी कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के गांव फूलत के रहने वाले हैं। इनके फादर मोहम्मद अमीन एक जमींदार थे। इनिशियल पढ़ाई लिखाई फूलत के एक मदरसे फैजुल इस्लाम से होती है। जब वो 5th क्लास में होते हैं तब वो कुरान के 7 पारे याद कर चुके होते हैं। पैक्ट इंटर कॉलेज से साइंस में हायर सेकेंडरी पास करते हैं और मेरठ के एक कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी करते हैं। वो यही नहीं रुकते हैं, बल्कि कलीम सिद्दीकी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी एनरोल करते हैं, जिसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 57 आती है। मतलब कलीम सिद्दीकी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। हालांकि वो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेते, बल्कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलेमा चले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस्लामिक स्कॉलर बनते हैं। इससे एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि कलीम सिद्दीकी कोई सिर्फ डिग्री वाले मौलाना नहीं है, वो वाकई एक वेल एजुकेटेड इंसान है। उन पर कन्वर्जन एक्ट के तहत केस चलता है और फाइनली 5 अप्रैल 2023 को अलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल जाती है और 3 मई को 590 दिन बाद कलीम सिद्दीकी जेल से बाहर आ जाते हैं। इस दूसरे केस को भी आप याद रखना, आगे इस पे भी बात होगी। अब आते हैं तीसरे केस पर, मुफ्ती सलमान अजहरी। अभी हाल ही में 4 फरवरी को गुजरात एटीएस मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट करती है। उन पर यह आरोप होता है कि वो 31 जनवरी को गुजरात जूनागढ़ के एक प्रोग्राम में हेट स्पीच देते हैं, जिसमें वो एक शेर पढ़ते हैं। हालांकि वो उसमें डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते, उनकी वीडियो वायरल होती है, उन पर FIR होती है और ATS उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब सलमान अजहरी कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, सोशल मीडिया पर अपने हाईली मोटिवेशनल फैक्टफुल स्पीचेस की वजह से काफी पॉपुलर है। खास करके मुस्लिम यूथ सलमान अजहरी को अच्छा खासा फॉलो करती है। मुफ्ती सलमान अजहरी बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही मदरसा अशरफिया में होती है, जहां वो रिलीजियस एंड सेक्युलर दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं और फिर इजिप्ट के काहिरा में मौजूद अल अजहर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। साल 2008 में ग्रेजुएशन पूरी करते हैं और फिर उसी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री भी हासिल करते हैं। अल अजहर यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि उनका जो भी स्टूडेंट उनके यहां से डिग्री हासिल करता है उसे एक खास टाइटल अजहरी दिया जाता है और मुफ्ती सलमान के नाम के साथ जो अजहरी लगता है ये उसी अल अजहर यूनिवर्सिटी का टाइटल है। अजहरी को अरेस्ट किया जाता है, मुंबई से गुजरात ले जाया जाता है जहां उन्हें जमानत मिलती है, लेकिन इसी बीच उन पर एक और केस फाइल होता है, उसमें भी जमानत होती है और फिर एक FIR होती है, उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है और बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब तीसरे केस में भी उन्हें बेल मिल जाती है, लेकिन फिर न्यूज आती है कि सलमान अजहरी पर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज पासा एक्ट लगा दिया गया है और फिर से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें अक्सर किसी इंसान को 3 से लेकर 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। यह सब कुछ सेम वैसे ही है जैसे आल्ट न्यूज के फाउंडर जुबैर की गिरफ्तारी के टाइम हो रहा था, एक के बाद एक FIR। ये 3 ऐसे केस हैं जिसमें किसी ना किसी बड़े इस्लामिक स्कॉलर को अरेस्ट किया गया। मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, मुफ्ती सलमान अजहरी, 3 के 3 मुसलमान। अब आप कुरान के उस वर्स के बारे में सोचो जिसमें कहा गया है यकीनन सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। क्या वो भाईचारा, वो यूनिटी इन केसेस में दिखाई देती है? क्या कोई बड़ा नाम स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट खड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। कहने को तो तकलीफ सबको है, लेकिन
स्टैंड किसी के पास नहीं। हद तो इस बात की हो गई कि जब उमर गौतम या कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया था तो एक ग्रुप इस पर खामोश था। वजह सिर्फ एक थी, ये हमारे फिरके के मौलाना नहीं है। कुछ तो इस पे खुशियां मना रहे थे। सेम दूसरी तरफ जब सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया तो जो ग्रुप पहले खामोश था उसमें हरकत हुई। लेकिन फिर वही दूसरे ग्रुप की सोच, सलमान हमारे फिरके के मौलाना नहीं तो हम क्यों बोले। हालांकि सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों को यह उम्मीद थी कि अब कम से कम बड़े रिलीजियस लीडर बोलेंगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद भी बस उम्मीद बन के रह गई। अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी खानकाह, बड़े बड़े लोग खामोश रहे, उन्होंने कोई स्टैंड लिया ही नहीं। जबकि कुछ लोगों ने बोला जरूर, जैसे किसी ने किसी YouTube चैनल के माइक पर बोल दिया, तो किसी ने जलसे के स्टेज पर, तो किसी ने चाय की दुकान पर, तो कोई पान की टपरी पर। यहां भी वो यूनिटी, वो भाईचारा सामने नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी प्रोटेस्ट का कोई लीडर नहीं होता वो प्रोटेस्ट कोई मायने नहीं रखता। एग्जांपल के तौर पे आप आजादी के टाइम का नमक आंदोलन देख लीजिए जो 1930 में हुआ था, लीडर थे गांधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन देख लीजिए जो 1942 में हुआ था, लीडर थे गांधी जी। 1974 में एक और बड़ा आंदोलन होता है, जेपी आंदोलन, लीडर थे जयप्रकाश नारायण। फिजाल 2011-12 में जन लोकपाल आंदोलन होता है, लीडर थे अन्ना हजारे। इस तरह एक नहीं भारत के इतिहास में सैकड़ों आंदोलन मिल जाएंगे जिसे किसी ना किसी ने लीड किया है। वो कामयाब भी हुए कम या ज्यादा वो अलग बात है। जबकि दूसरी तरफ कई हजार प्रोटेस्ट ऐसे भी मिलेंगे जिसका कोई लीडर नहीं था, ऐसे आंदोलन की कोई बात तक नहीं करता। आज मुस्लिम जो हर सेक्टर में सबसे पीछे है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके पास अपनी कोई यूनिटी नहीं, उनका अपना कोई लीडर नहीं। मुसलमान के पास वोटिंग राइट जरूर है, लेकिन राइट वोटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये कम्युनिटी सिर्फ इतना जानती है कि इस बार किसे हराना है, किसे जिताना है, इसे लेकर उनकी कोई सोच नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। बीजेपी को हराना है ये एक सोच लिए वो आंख बंद करके किसी को भी वोट कर सकते हैं, जबकि जिसे वो वोट करते हैं वो जीतने के बाद बीजेपी में ही चला जाता है। इस पॉइंट पर एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। अब आइए आपको मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न दिखाता हूं, जिसे देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना क्यों मुसलमानों के पास उनका अपना कोई लीडर नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की एक असेंबली सीट है देवबंद, जहां पे मुस्लिम वोटर्स करीब 40% हैं। देवबंद यूपी की मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट्स में से एक है। वही देवबंद जहां इंडिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद मौजूद है। चूंकि मदरसा है तो जाहिर सी बात है कुरान चैप्टर 49:10 यकीनन सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं ये भी बताया जाता होगा, यूनिटी को प्रमोट भी किया जाता होगा। लेकिन अब सच देखिए, ये जो चार्ट आपके सामने है जिसमें हम टॉप 4 पार्टीज की बात करेंगे, नंबर 1 समाजवादी पार्टी, नंबर 2 बीजेपी, नंबर 3 बीएसपी एंड नंबर 4 AIMIM। इस पर्टिकुलर सीट पर मुस्लिम वोटर्स हैं 40%, जिसमें किसी को लगता है कि इस बार बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और इसी थिंकिंग के साथ वो ईवीएम पर बटन दबाता है। किसी को लगता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत बहुजन समाज पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, वो जाते हैं ईवीएम की बटन दबा देते हैं। वोट देने से पहले सबका माइंडसेट यही होता है कि बस बीजेपी को हराना है, बट जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी मुस्लिम मेजोरिटी सीट पर जीत हासिल कर लेती है। लोग बड़े हैरान होते हैं कि यह कैसे हो सकता है, बीजेपी वहां कैसे जीत सकती है। तो बड़ा सिंपल है भाई, बीजेपी को हराने के चक्कर में आपने अपने वोट को डिवाइड कर दिया। समाजवादी पार्टी को 35.83% वोट मिलते हैं और बहुजन समाज पार्टी को 21.77%, जबकि बीजेपी 38.77% वोट हासिल करती है और जीत जाती है। लेकिन अगर 40% मुस्लिम वोटर हराने वाली सोच को साइड रखता और जिताने वाली सोच के साथ यूनाइट होकर वोट करता तो AIMIM के उमैर मदनी इस सीट से विधायक हो सकते थे, जिन्हें सिर्फ 1.45% वोट मिले थे। यह अपने आप में ही बड़ी अजीब बात है कि 40% मुस्लिम वोटर वाली सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ 1.45% वोट मिलते हैं। यहां पर कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि अगर उमर को वोट करते तो बीजेपी जीत जाती, तो भैया अभी कौन सा बीजेपी आ रही है। हालांकि अगर ये मान भी लें कि उमर को वोट करने से बीजेपी जीत जाती तो भाई जीतने दो, बीजेपी भी तो इसी देश की
पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अगर आप उमैर को वोट करते तो आने वाले इलेक्शन में आपकी यूनिटी को देखते हुए स्टेट पार्टी आपके लीडर के साथ अलायंस करती, और जब वापस से उमैर अलायंस के साथ इस सीट पर आते तो पिछली बार से ज्यादा मजबूत कंडीशन में होते, और यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी लीडरशिप डेवलप होती। यही सिचुएशन, यही कहानी लगभग हर मुस्लिम मेजॉरिटी सीट की है, या कह सकते हैं पूरे इंडिया के मुसलमानों की है। और यह बात हर वो पार्टी जानती है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए उन्हें ही वोट करेगा, वो मजबूर है, वो कहीं और जाएगा ही नहीं, इस बात को लेकर वो पूरी तरह कंफर्टेबल है। फिर भले ही मुस्लिम कम्युनिटी को उनका हक उन्हें ना दिया जाए, इसका भी आप एग्जाम्पल देख लें। साल 2022 में एक तरफा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, अराउंड 80% मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, इंटेंशन वही बीजेपी को हराना है। लेकिन जब राज्यसभा कैंडिडेट का टाइम आता है तो वही समाजवादी पार्टी एक भी मुस्लिम को राज्यसभा नहीं भेजती। ये कोई छोटी बात नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी इसे लाइटली लेती है, कोई खास प्रेशर नहीं बनाया जाता। जबकि दूसरी तरफ पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल की लीडर हैं, वो इस पे सवाल खड़े करती हैं, अखिलेश यादव के पीडीए वाली बात पर सवाल करती हैं कि इस राज्यसभा कैंडिडेट लिस्ट में पीडीए तो कहीं है ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, ये वो लीडर हैं जो अपने लोगों का हक लेना जानते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी जीत जाएगी, और इसके लिए इन्हें पावर मिलती है इनकी कम्युनिटी से, क्योंकि इनका अपना एक वोट बैंक है जो इनके साथ मजबूती से खड़ा है। यह बात स्टेट पार्टी हो या सेंट्रल पार्टी, दोनों जानती हैं। जयंत चौधरी एनडीए में रहे या इंडिया में, जाट कम्युनिटी अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ती, जहां जयंत होंगे वहां उनका वोट होगा। एज इट इज मुसलमानों को भी अपना एक यूनाइट वोट बैंक डेवलप करना होगा, अपना एक लीडर बनाना होगा, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रेजेंट करनी होगी, और यह सब करना उनके लिए आसान है। बस वो लोग जो मुसलमानों के रिलीजियस लीडर हैं, फिर वो किसी भी फिरके से कनेक्टेड हो, वो पॉलिटिकल फील्ड में यूनिटी को प्रमोट करें, क्योंकि मुसलमान अपने रिलीजियस लीडर की बात जरूर सुनता है। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जहां मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। जहां मोहल्ले के लोगों को जमा करने की बात आती है, वहां 5 टाइम की नमाज में लोग जमा हो जाते हैं। जहां एक इलाके के लोगों को जमा करने की बात आती है तो उसके लिए जुमा है। जहां कई इलाके के लोगों को इकट्ठा करने की बात आती है तो कहा गया जनाजे में जाओ। जहां दुनिया के मुसलमानों को जमा करने की बात आती है उसके लिए हज है। ऐसे में अगर यह पॉसिबल होता है, पॉलिटिकली मुसलमान मजबूत होते हैं, तो लोग उमर गौतम के लिए भी बोलेंगे और सलमान अजहरी के लिए भी। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें और कमेंट में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।